नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विदय नाजा। सुबह के 8 बजने वाले हैं, बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं न्यूज 50। अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी चीफ जस्टिस ने दिलाई ट्रंप को शपथ। डोनाल्ड ट्रंप ने अब्राहम लिंकन और मार्क से मिली, बाइबल हाथ में रखकर ली शपथ। ट्रंप ने अपने भाषण में अमेरिकी लोगों के लिए नौकरी बढ़ाने का वादा किया, कहा देश की सीमा को रखेंगे महफूज। ट्रंप ने एक नया नारा दिया, बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन, यानी अमेरिकी चीजें खरीदो, अमेरिकी लोगों को नौकरी दो। अपने भाषण में ट्रंप ने इस्लामिक आतंकवाद के खात्मे की बात कही, कहा बात करने का समय खत्म, अब एक्शन का वक्त आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अपनी अंतिम सांस तक आपके लिए लड़ूंगा, कभी देश का सिर नीचे नहीं होने दूंगा। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई, ट्विटर पर लिखा अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के साथ काम करने के लिए उत्साहित। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में उमड़ी 9 लाख लोगों की भीड़, विरोध के चलते समारोह से दूरी से करीब 60 डेमोक्रेट्स सांसद ने बनाए रखी। शपथ ग्रहण से पहले डोनाल्ड ट्रंप प्रार्थना के लिए सेंट जॉन्स एपिस्कोपल चर्च पहुंचे, ट्रंप के साथ उनका परिवार भी था मौजूद। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतरे, प्रदर्शनकारियों ने वी रिजेक्ट द प्रेसिडेंट के नारे लगाए। ट्रंप की इनॉग्रल परेड में 40 संस्थाओं के प्रतिनिधि, हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी के मार्चिंग बैंड समेत करीब 8,000 लोगों ने लिया हिस्सा। बराक ओबामा ने व्हाइट हाउस से विदाई लेने से पहले हर कदम पर अमेरिकी जनता के साथ खड़े रहने का वादा किया, ट्वीट कर देशवासियों का शुक्रिया अदा किया। ओबामा को भी दिया ट्रंप ने सम्मान, ओबामा को यूएस मेरविन हेलीकॉप्टर तक विदा करने अपनी पत्नी के साथ आए ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति के नाम का ट्विटर अकाउंट भी बदला, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीर ट्वीट की गई। राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने ओबामा केयर पर लिया पहला फैसला, ट्रंप ने ओबामा केयर पर फैसला लेने का किया था वादा। शपथ के बाद उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने पूर्व उपराष्ट्रपति जो बिडेन को दी परंपरागत तरीके से बधाई, माइक पेंस बिडेन को गाड़ी तक छोड़ने के लिए बाहर। राष्ट्रपति ट्रंप के सम्मान में अमेरिकी कांग्रेस सदस्यों ने किया लंच का आयोजन, ट्रंप ने हिलरी से भी की मुलाकात। आरएसएस के प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य की आरक्षण पर दिए बयान पर सफाई, कहा समाज के सभी वर्गों को साथ लाने के लिए शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहिए। मनमोहन वैद्य के शिक्षा समेत कई बातों में समान मौकों दिए जाने की बात पर खड़ा हुआ विवाद, कांग्रेस ने आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा। जलीकट्टू के आयोजन पर तमिलनाडु सरकार के अध्यादेश को आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मिल सकती है मंजूरी, केंद्र सरकार ने कुछ संशोधनों के साथ दी थी इसे मंजूरी। राजस्थान के जैसलमेर के पास एक बड़ा रेल हादसा टला, हमीरा गांव में ट्रेन के 10 डिब्बे पटरी से उतरे। काठगोदाम से जैसलमेर जा रही थी ट्रेन, हादसे के बाद ट्रेन के डिब्बे में धुआं भर गया, किसी यात्री को नहीं आई चोट। देश का सबसे बड़ा युद्धपोत आईएनएस विक्रमादित्य आज से एटीएम से भी होगा लेस, सैटेलाइट लिंक के साथ करेगा काम। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से गठबंधन पर समाजवादी पार्टी में सस्पेंस पर करार, कांग्रेस ने कहा कार्यकर्ताओं के सम्मान से समझौता नहीं करेगी पार्टी। समाजवादी पार्टी नेता नरेश अग्रवाल ने गठबंधन नहीं होने के लिए कांग्रेस का अड़ियल रुख को बताया जिम्मेदार, समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार को जारी की है 208 उम्मीदवारों की लिस्ट। मुंबई के अंधेरी में होटल में लगी आग में घिरे लोगों का रेस्क्यू, विदेशी सैलानियों समेत 40 लोगों को सुरक्षित निकाला, 7 घायल। होटल में बीती रात करीब 11:15 बजे लगी आग, हादसे के वक्त कुल 53 लोग थे मौजूद, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। हैदराबाद के बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के पास एक टायर के गोदाम में लगी आग घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया काबू। यूपी के महोबा में हिस्ट्री शीटर ने कोतवाल को घर में बनाया बंधक, एसपी ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आरोपी को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के कठुआ में तालाब में मिला मोर्टार, मछुआरे की सूचना पर पुलिस ने कब्जे में लेकर शुरू की जांच। यूपी के बलरामपुर में कुदाल से बेटे के सामने पुरोहित की हत्या, वजह का खुलासा नहीं, आरोपी मौके से फरार। गाजियाबाद के चिरौड़ी गांव पेट्रोल पंप पर 60,000 की लूट, गन पॉइंट पर बदमाशों ने मैनेजर से छीनी नकदी, 2 मोबाइल भी लेकर फरार। उत्तराखंड के खटीमा में सड़क किनारे के मकानों को तोड़ने में भारी लापरवाही, गांव वालों का आरोप, सोते बच्चों को निकालने का भी नहीं दिया गया वक्त, बाल बाल बचे 2 बच्चे। उत्तरकाशी के यमुनोत्री विधानसभा सीट से बीजेपी ने केदार सिंह रावत को दिया टिकट, कांग्रेस छोड़ा
दोबारा बीजेपी में हाल ही में शामिल हुए थे केदार सिंह रावत। मुंबई के कुर्ला से पुराने 1000 और 500 के 16 लाख रुपए के नोट जब्त, पुलिस ने दो लोगों को किया हिरासत। इंदौर के एमवाई अस्पताल में मानवता फिर हुई शर्मसार, गार्डन में पड़ा मिला नवजात बच्ची का शव, शरीर पर जानवर के नोचने के निशान। भोपाल की रहने वाली ममता ने पेश की बहादुरी की मिसाल, आधे घंटे तक लड़ते हुए दो लुटेरों को भागने पर किया मजबूर। शिरडी के साईं बाबा का बूंदी के लड्डू का प्रसाद अब 5 रुपए महंगा, भक्तों को 20 रुपए की जगह देने होंगे 25 रुपए। पंजाब के फतेहाबाद में एक महिला वकील ने की अनोखे अंदाज में शादी, दूल्हे की जगह रथ पर दुल्हन सवार होकर पहुंची। बीसीसीआई के नए पदाधिकारियों के नाम का 24 जनवरी को होगा ऐलान, सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को देगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट की गठित दो वकीलों की टीम ने 9 लोगों के नाम सुझाए, सीलबंद लिफाफे में सौंपे गए कोर्ट को नाम। 9 साल से ज्यादा पद पर नहीं रह सकता कोई भी बीसीसीआई का अधिकारी, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है। कटक वनडे में सेंचुरी के बाद अपनी सफलता का श्रेय विराट को देकर बोले युवराज, संन्यास की लगा था सोचने लेकिन विराट ने मुझ पर कायम रखा है भरोसा। कटक वनडे में स्लो ओवर रेट के लिए इंग्लैंड टीम पर लगा जुर्माना, कप्तान मॉर्गन की 20% मैच फीस कटी तो वहीं खिलाड़ियों को 10% मैच फीस का जुर्माना भरना। कोलकाता में ईडन गार्डन मैदान पर गांगुली के नाम पर रखा जाएगा एक स्टैंड का नाम, गांगुली के अलावा पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष जगमोहन डालमिया के नाम पर भी होगा एक स्टैंड। सर्जरी के बाद अपने पहले खिताब से 2 कदम दूर है साइना नेहवाल, मलेशिया मास्टर्स के सेमीफाइनल में पहुंची। ऑस्ट्रेलियन ओपन के 3रे राउंड में पहुंची सानिया मिर्जा, वुमेन डबल्स में सानिया और उनकी जोड़ी स्ट्राइकोवा ने दर्ज की जीत। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा अब शिक्षा के क्षेत्र में देंगे अपना योगदान, पंजाब विश्वविद्यालय के साथ प्रोफेसर के तौर पर जुड़े। बॉलीवुड के एक्शन स्टार जैकी चैन ने की बॉलीवुड एक्टर सलमान खान से मिलने की गुजारिश, एक वीडियो के जरिए भेजा मैसेज।